एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अभी गुजरात सूरत में हैं और हम 15 दिनों से गुजरात सूरत में हैं क्योंकि हमारे यहाँ शादी था। तो वही आज 22 तारीख को हमारा झारखंड जाने का टिकट है, तो अभी हम झारखंड जाने के लिए निकलने वाले हैं। हमारा सारा पैकिंग हो चुका है, बस टाइम है हमारा 12:35 में, तो हम निकलेंगे यहाँ से 12 बजे, तो लगभग अभी निकलने वाले हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और आज रात तक का ब्लॉग आपको आएगा, ट्रेन में बैठेंगे वो आएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, रोड में मिलते हैं हम अपने ऑटो में, बाय। ये अभी हमारा ऑटो आ चुका है, 3-3 ऑटो है और अभी सारा ऑटो में हमारा सामान लोड हो चुका है जो कि पानी के वजह से पूरा का पूरा भींग चुका है। ऑटो में लोड हो चुका है सारा का सारा सामान। सो अभी हमारा सामान लोड हो चुका है ऑटो में और यहाँ ड्राइवर अंकल बैठने वाले हैं अभी, तो अभी बैठ चुके हैं और हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन की ओर। और यहाँ का रोड में अभी पूरा का पूरा पानी फैल चुका है, ये हमें स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं स्कूटी से भींग भींग के। और अभी हम पहुंचने वाले हैं हम अपना रेलवे स्टेशन। तो ये अभी हम अपना रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, अभी रेलवे स्टेशन के अंदर जाना है हमें। ये रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और हमारा बहुत ही सारा सामान है। लाए थे 2 बैग और लेके जा रहे हैं 5-5 बैग और थैलियाँ। अभी कूली लोड हो चुका है हमारा कूली का गाड़ी में और अभी जा रहा है जहाँ से हमारा ट्रेन आने वाला है। ये ऊपर चढ़ रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारा ट्रेन आने वाला है। ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और अभी यहाँ से हमारा ट्रेन आने वाला है। ये ट्रेन पता नहीं कहाँ का है। तो हमारा ट्रेन आ चुका है जो कि ये है, रेड कलर में है। यहाँ से एंट्री होते ही हमें मिलता है वो, ये गेट खोलने वाला और इधर इसका गेट बाहर निकलने वाला। यहाँ एक बेसिन लगा हुआ है, यहाँ वॉशरूम है और ये भी एक वॉशरूम है जो कि काफ़ी हद तक ठीक सही होता है। ये अभी हम अपने सीट के पास बैठे हुए हैं और वो ऊपर वाला हमारा सीट है, उधर से एसी लगा हुआ है और यहाँ से। और अभी हमारा ट्रेन आगे बढ़ने लगा है जो कि 2:20 में आगे बढ़ रहा है क्योंकि हमारा ट्रेन 12:35 में था और 2:20 में आगे बढ़ रहा है, यानी कि लगभग दो घंटे लेट हो चुका है हमारा ट्रेन। अभी बहुत ही आगे जा चुका है, लगभग 70 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुका है हमारा ट्रेन, अभी तक एक भी स्टेशन नहीं आया है। ये एक स्टेशन में रुका है जो कि ये स्टेशन का नाम क्या है वो पता नहीं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल ओम सत्य ब्लॉग्स को सब्सक्राइब